नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, और आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के सभी झीलों में जितने भी प्रमुख झीलें हैं उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा जिले की, और चंबा में सबसे महत्वपूर्ण झील है डल लामा झील, जिसे सात झीलों का समूह भी कहा जाता है, और इसी झील का अन्य नाम है नागडल झील या फिर नागछत्री। तो नागडल या नागछत्री के नाम से जाना जाता है डल लामा झील को। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण झील चंबा में है मणिमहेश, जो कि स्थित है भरमौर में। तीसरी महत्वपूर्ण झील है गढ़ासुरु, और गढ़ासुरु स्थित है तीसा में, जबकि अगली झील का नाम है महाकाली झील, और महाकाली झील है चुराह क्षेत्र की प्रमुख झील। इसके अलावा बेसा की चामुना झील, यह भी मौजूद है चुराह में। इसके अलावा चंबा में सबसे महत्वपूर्ण झील है खजियार झील, और खजियार को ही बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड, और हिमाचल का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है खजियार को, और ये टाइटल दिया था बिली पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को। तो 7 जुलाई 1992 को बिली पी ब्लेजर ने खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड की उपाधि दी थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब बात करेंगे चंबा में रावी नदी पर बनी हुई कृत्रिम झील, जिसका नाम है चमेरा। तो चमेरा झील चंबा की कृत्रिम झील है, और इसके अलावा चुराह में एक और झील पड़ती है जिसका नाम है खुंडी मराल। चंबा में ही मौजूद है चंद्रकूप झील, और चंद्रकूप झील के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है धौलाधार क्षेत्र की सबसे ऊंची झील है, और इस झील की एलिवेशन है 3450 मीटर। तो 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रकूप झील धौलाधार क्षेत्र की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। तो यह है आपकी स्क्रीन पर 9 झीलें जो कि मौजूद है चंबा में, और एक बार फिर से इन सभी 9 झीलों को देख लेते हैं। डल लामा झील, मणिमहेश झील, गढ़ासुरु झील, महाकाली, बैसाखी चामुना, खजियार, चमेरा, खुंडी मराल और चंद्रकूप झील। अब चंबा के बाद बात करेंगे मंडी जिले की, और मंडी में बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं जिस पर इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है रिवालसर झील का। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण झील है पराशर झील, और पराशर झील को बोला जाता है तैरता हुआ टापू। तो तैरता हुआ टापू बोला जाता है पराशर झील को, और ये रही आपकी स्क्रीन पर पराशर झील। तीसरी महत्वपूर्ण झील है कालासर। उसके अलावा चौथी झील सुख सागर या फिर सुख सर भी इसे बोला जाता है। पांचवी झील है कामरू नाग झील, और कामरू नाग बहुत ही फेमस झील है मंडी क्षेत्र की, और इसी झील को बोला जाता है द लेक ऑफ ट्रेजर, यानी खजाने की झील कामरू नाग झील मंडी में। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है कुंत भयोग झील, पीला सर, मछियाल झील। तो मछियाल झील भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी स्थित है मंडी जिले में। और अब बात करेंगे मंडी जिले की एक आर्टिफिशियल लेक की, जिसका नाम है पंडोह झील, और पंडोह झील बनी थी 1977 में ब्यास नदी के किनारे पर, जिसका कुल सरफेस एरिया है 1.7 वर्ग किलोमीटर। तो पंडोह झील मंडी की कृत्रिम झील है जो बनी हुई है ब्यास नदी पर। अब बात करेंगे कुल्लू जिले की प्रमुख झीलों की, और इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सरवालसर झील, उसके बाद मानतलाई झील जो कि पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। तीसरी प्रमुख झील कुल्लू क्षेत्र में है ब्यासकुंड, और ब्यासकुंड से ही निकलती है ब्यास नदी। तो रोहतांग दर्रे के पास मौजूद है ब्यासकुंड, और यही उद्गम स्थल माना जाता है ब्यास नदी का। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण झील है भृगुकुंड, साथ ही साथ दशर झील और हंसा झील। तो ये 6 प्रमुख झीलें हैं जो कि स्थित है कुल्लू जिले में। अब बात करेंगे शिमला जिले में मौजूद प्रमुख झीलों की, तो शिमला में मुख्य तौर पर 5 प्रमुख झीलें हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आ जाता है चंद्रनाहन झील का, और चंद्रनाहन झील उद्गम स्थल है पब्बर नदी का। तो चंद्रनाहन झील से निकलती है पब्बर नदी जो कि चांचल वैली में स्थित है। उसके अलावा दूसरा नाम आ जाता है कराली, तीसरी झील है घरशाली, चौथी और प्रमुख झील आ जाती है तानोजुब्बल, जबकि पांचवीं झील है गढ़कुफर। तो शिमला की 5 प्रमुख झीलें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, चंद्रनाहन, कराली, घरशाली, तानोजुब्बल और गढ़कुफर। अब बात करेंगे सिरमौर जिले में मौजूद प्रमुख झीलों की सबसे प्रमुख झील है रेणुका झील, और यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण झील आ जाती है सुकेती झील, जो कि स्थित है सुकेती सिरमौर में।
अब बात करेंगे बिलासपुर जिले की, तो बिलासपुर में एक ही झील मौजूद है जिसका नाम है गोविंद सागर झील और यह है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसका कुल क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर और यह झील बनी हुई है भाखड़ा नंगल डैम पर। तो भाखड़ा नंगल डैम का जो रिजर्वायर है उसी को ही गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसका शिलान्यास हुआ था 1955 में कि इस डैम का निर्माण पूरा हो चुका था 1962 में और इस डैम के डिजाइनर थे हार्वे स्लोकम। हार्वे स्लोकम ने इस झील का डिजाइन तैयार किया था। अब बात करेंगे कांगड़ा जिले की प्रमुख झीलों के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है करेरी झील और करेरी झील को गंदे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण झील है डल झील जो कि स्थित है मैक्लोडगंज में और तीसरी महत्वपूर्ण झील है पोंग डैम जो कि एक कृत्रिम झील है और इसी को ही महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है और पोंग डैम का निर्माण पूरा हुआ था 1975 में। यह डैम स्थित है ब्यास नदी के ऊपर। अब बात करेंगे लाहौल स्पीति में मौजूद प्रमुख झीलों की, तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सूरजताल का और सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4883 मीटर। तो 4883 मीटर पर स्थित है सूरजताल और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, साथ ही साथ सूरजताल से ही निकलती है भागा नदी, तो भागा नदी का उद्गम स्थल है सूरजताल। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण झील आ जाती है चंद्रताल झील, इसकी एलिवेशन है 4250 मीटर और चंद्रा नदी का उद्गम स्थल भी है यही झील यानी कि चंद्रताल। तो सूरजताल से निकलती है भागा नदी जबकि चंद्रताल से निकलती है चंद्रा नदी और ये दोनों नदियों का संगम होता है तांडी में जिसके बाद इन दोनों नदियों के ट्रांसफ्यूजन को बोला जाता है चिनाव नदी। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण झील है युनामसी झील, चौथी महत्वपूर्ण झील धनखड़। तो लाहौल स्पीति जिले में ये चार प्रमुख झीलें हैं सूरजताल, चंद्रताल, युनामसी और धनकट। अब अंत में बात करेंगे किन्नौर जिले की, तो किन्नौर में दो ही प्रमुख झीलें हैं। पहली झील आ जाती है नाको झील और दूसरी झील है सोरंग झील। तो नाको और सोरंग ये प्रमुख झीलें मौजूद है किन्नौर जिले में। तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 9 जिलों को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बचे 3 जिले सोलन, ऊना और हमीरपुर। इन 3 जिलों में कोई भी प्राकृतिक और कृत्रिम किसी भी प्रकार की झील मौजूद नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।